बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई एजेंसियों के आंकड़े भी हैं प्रस्तुत किए थे जिसमें साबित हुआ कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज़्यादा किसानों का जो आय होता है बिहार, किसानों के आय के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी हर एक सूचकांक में है। बिहार में हर दूसरा परिवार पलायन करता है, शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, रोजी रोजगार के लिए हो, लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि मनरेगा जो यूपीए वन में जब लालू जी थे, सोनिया जी लोग सब लोग, रघुवंश बाबू द मनरेगा मैन यानी आरजेडी के जो हमारे सांसद और उस समय केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये योजना उनके द्वारा जो है लाया गया ताकि 100 दिन का गारंटी रोजगार जो है लोगों को मिले। अब बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो हम पूरे बिहार के मसले को लेकर के हमने सरकार से सवाल पूछा कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया और कितने दिन का लग दिया। अब आज उत्तर में जो है अगर आप देखें तो जवाब आता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 का 62,09,000 व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 61,97,000 व्यक्तियों को काम मुहैया कराया। यानी टोटल प्रतिशत होता है 99.81, 99% 99.81%। अब ऑनलाइन ये जवाब आता है बिहार विधानसभा में, हम जाकर के ऑनलाइन ये जवाब निकलवाए तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बिहार है और आवेदन मात्र 62 लाख लोगों ने दिया और 62 लाख का आवेदन में से 61 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार भी दे दी। ये तो बड़ा अद्भुत है, यानी 99.81% लोगों को इन्होंने काम दे दिया। तो वेबसाइट है, क्योंकि मनरेगा का जो है एक वेबसाइट है, वही सरकार के लोग जो है फीड करते हैं और एकदम टाइम के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ कल का हम निकलवाएं कि क्या लास्ट फिगर है। और जाहिर सी बात है वही ग्रामीण विकास के ही अधिकारी होंगे जो फीड करते होंगे, जो सरकार को जो जवाब सदन में भेजा। वेबसाइट का भी देखिएगा तो हम जो निकलवाएं इसके ऊपर लिंक है, गौर से अगर आप लोग देखें तो ये जो है ऊपर जो है ये लिंक है, ये लिंक है, ये मेरा वेबसाइट नहीं, ना डाटा डालने वाले हैं, ये वही विभाग है जो सदन में जवाब दे रहे थे। अब वेबसाइट का है मनरेगा वेब 4.nic.in, ये वेबसाइट का नाम है। अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं मनरेगा वेब 4.nic.in तो इस हिसाब से ये खुल जाता है, जिसमें बिहार के हर एक जिला वाइज आपको आंकड़े जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये वेबसाइट पे जब हम जा कर के देखें तो आश्चर्य का डेटा जो है हमको मिला। अब इस डेटा में क्या क्या मिला कि भाई पूरे महीने वाइज है निकाले हैं मनरेगा के साइट से, टोटल 1,53,00,000 लोग काम मांगे। अब ये बताइए कि ये सरकार जो एक पकड़िएगा, ये 62 लाख का कहां से आंकड़ा आ गया भाई?
जब इस वेबसाइट पे 1,39,00,000 लोग सॉरी 1,53,00,000 लोग जो है काम मांगे, तो भाई ये कहाँ से आ गया ये 62,00,000 और 61,00,000 को ये दे भी दिए 99%। हमें बड़ा आश्चर्य लगे, तो फर्जी डाटा जो है सदन के अंदर जो है ये पेश किया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि भाई टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू जो हुआ ये था 2,36,21,000, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 3,21,77,000, एक्टिव जॉब कार्ड्स है 80,00,000 और एक्टिव वर्कर्स है लगभग 94,00,000। अब आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एवरेज वेज रेट पर डे पर पर्सन जो पैसा जो मिलता है बिहार में सबसे कम काम के प्रति लोगों को पैसा दिया जाता है पूरे देश में। एक ये डेटा निकल करके आया, एक डेटा निकल के आया टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45,00,000 लोगों ने ही काम किया, केवल 45,00,000 लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है, आप देखिएगा बिहार जो है 198 है, सब राज्य में तो कई जो है 245 मिल रहा है, गोवा में लगभग 300 रुपये मिल रहा है, आप समझ जाइए। अब ये डेटा ही लोग सरकार के लोग सदन में अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, तो अधिकारियों को संरक्षण दे रहे और ये धोखा क्यों, तो पूरे राज्य का मसला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है कैसे जो है चल रही है। और हमारे पास डेटा है अगर आप देखिएगा तो हम थोड़ा डिटेल में भी आपको बता दें, क्योंकि अब इनके पास डेटा या कोई अध्ययन करके आता है कोई रिसर्च करके आता है तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ समझ रहे, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे। और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे। अब आप बताइए ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है, ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62,00,000 का आंकड़ा आप लाए कहां से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे, ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया। अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है, तो हम लोग तो शांति